हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक चाट की रेसिपी। चाट सबको पसंद आती है, छोटों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद है चाट। तो पर हम अपने घर पे बहुत तरह का चाट बनाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट किया जाए, तो इसलिए मैंने पालक और केल के पत्ते की चाट बनाई। पर आपके घर में अगर केल के पत्ते नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ पालक के पत्ते की चाट बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और बारिश का मौसम हो और चाट बनाओ और खाओ तो कितना मज़ा आता है। तो चलिए देख लेते हैं पालक और केल के पत्ते की चाट हम कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए पालक के पत्ते। मेरे पास छोटे छोटे पालक हैं, पालक के पत्ते हैं, तो मैंने छोटे लिए। आपके पास अगर बड़े साइज़ के थोड़े से हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और चाहिए हमें केल के पत्ते, तो केल भी मेरे पास स्मॉल है, अगर आपके पास बिग है तो आप उससे बना सकते हो। और बैटर के लिए चाहिए बेसन। मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, 3 टेबलस्पून जैसा बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा चिली पाउडर। और सॉल्ट लिया है, सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार आप यूज़ कीजिए। और चाहिए एसाफटीडा, 1/4 टीस्पून लगेगा, और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। तो अभी हम बैटर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, उसमें मैं बेसन डाल दूंगी, कॉर्नफ्लावर, चिली पाउडर और पहले थोड़ा सा सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जैसा, बाद में लगेगा तो मैं दूंगी, और 1/4 टीस्पून एसाफटीडा और टर्मरिक पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें वाटर डालूंगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है बैटर को। अभी बैटर रेडी हो गया है, तो अभी फ्राई कर लेंगे। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है कि वो जो चाट बनाऊंगी, जो फ्राई करूंगी मैं पालक के पत्ते और केल के पत्ते को, तो वो क्रिस्पी बनेगी। अभी मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, ऑयल गर्म हो गई है, तो अभी मैं पालक के पत्ते को बैटर में देके फ्राई करती हूँ। अभी पालक के पत्ते फ्राई हो गए, तो अभी मैं केल के पत्ते फ्राई कर रही हूँ। अभी पालक और केल के पत्ते फ्राई हो गए हैं, तो मैं अभी चाट बना लेती हूँ। अभी चाट बनाने के लिए मैंने योगर्ट लिया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा शुगर यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट शुगर है तो वाइट शुगर यूज़ कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एक बोल लेती हूँ, उसमें ये पत्ते को पहले अरेंज करूँगी। आप ज़्यादा बेसन इसमें मत डालो, नहीं तो वो क्या होता है, थिक बैटर होने से मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है बेसन, तो वो क्रिस्पी होता है, खाने में भी अच्छा लगता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और योगर्ट, थैंक यू।
और ग्रीन चटनी, मैंने कोरिएंडर चटनी बनाया है वही दूंगी। और टैमरिंड चटनी, डेट्स एंड टैमरिंड की चटनी। उसके बाद थिन सेव ऊपर से, और लास्ट में पोमोग्रेनेट। अभी चाट रेडी है। अभी टेस्टी स्पिनच एंड केल की चाट रेडी टू सर्व। तो एंजॉय करते हैं। अगर मेरा ये चाट का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट ज़रूर करें मुझे कि आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी मिलती हूँ मेरे और एक नए वीडियो के साथ। बाय।